मुलायम यादव के कठोर परिश्रम ने जनपद का बढ़ाया मान। गाजीपुर के मुलायम यादव ने कुश्ती में लहराया विदेश में जनपद का परचम। बुल्गारिया में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुलायम यादव ने जीता कांस्य पदक। आज दिल्ली से ट्रेन द्वारा जनपद प्रथम आगमन पर समर्थकों और परिजनों ने किया भव्य स्वागत। बता दें, गाजीपुर जनपद के मुलायम यादव वर्ल्ड रेसलिंग में कांस्य पदक जीतकर आज फ्री जनपद के प्रथम आगमन पर गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां दोस्तों, मित्रों, समर्थकों और उनके गुरु और पूर्व खेल अधिकारी सर्वजेश सिंह यादव ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर समर्थकों ने माल्यार्पण कर उन्हें साफा भी पहनाया। आपको बताते चलें कि मुलायम यादव जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद क्षेत्र के प्रतिभावान रेसलर हैं, जिन्होंने पहले मनाला में आयोजित एशिया कप में रजत मेडल जीता था। उसके बाद बुल्गारिया में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने अपने भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर जनपद का मान बढ़ाया है। रेसलर मुलायम ने बताया कि वह आगे भी अपनी मेहनत के बल पर और परिजनों और गुरुओं के आशीर्वाद से और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। वहीं गाजीपुर के खेल अधिकारी ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि यह बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और इनसे आगे बहुत ही उम्मीदें हैं। मेरा नाम मुलायम यादव, सुंदरसा गाँव कासमाबाद। सर, आज आपका किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या लग रहा है? मेरा एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल आया और वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आया मेरा विश्व चैंपियनशिप में। किस तरह की कठिनाइयां रही इस खेल में आपने कांस्य पदक जीता है? बहुत ज़्यादा कठिनाई था और हमारे सपोर्ट जो लोग किए हैं इसके वजह से मैं आज मेडल जीत पाया हूँ। फाइनली किस से मुकाबला था आपका? जॉर्जिया का पहलवान था एक। कितने राउंड में आपने जीता? 2 राउंड के बाद। कैसे पटखनी दिया आपने? 12-2 से हराया मैं। सबसे बड़ी बात है कि ये मन में किस तरह की भावना आपके अंदर, ये कैसे आया कि हम पहलवानी करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, जिले का नाम रोशन? शुरू से हमारा मन था कि हम रेसलिंग करेंगे और अच्छा देश के लिए अपना मेडल जीतेंगे हम। आपके इस विजय श्री में किनका हाथ मानते हैं आप? हमारे जो लोग हैं बहुत भैया सपोर्ट किए हैं, गुरु जी सपोर्ट किए हैं और सबका सपोर्ट रहा है मेरा। कहाँ तैयारी करते थे और तैयारियों में कौन कौन लोग सहयोग करते थे आपका? हमारा सहयोग भैया घर से भी सपोर्ट था और उसके बाद हमारे भाई साहब भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, बड़े वाले हमारे भाई साहब हैं और उनका बहुत ज़्यादा योगदान है ना, तो वो अगर ना होते तो मैं शायद रेसलिंग नहीं कर पाता। पहलवानी की तैयारियाँ आपने कहाँ से शुरू की? अखाड़े से, छोटे था जब से, सुंदरसा गाँव था एक, वहाँ से सावलपुर एक छोटा सा अखाड़ा था, फिर वहाँ जाने लगा, फिर इस अखाड़े पे, भैया के अखाड़े पे जब थोड़ा बड़ा हुआ तो आने लगा जनार्दन भैया के अखाड़े पे। मैं सर्वदेव सिंह यादव स्पोर्ट्स ऑफिसर से सेवानिवृत्त हूँ। सर, आपका एक शिष्य जो है एशिया में कांस्य पदक जीता है, वर्ल्ड में इन्होंने जीता है और एशिया में भी जीता है, इसके लिए बधाई है और मैं इसका श्रेय जनार्दन यादव को देता हूँ, क्योंकि उनको भी मैंने हॉस्टल में 1988 में रखा था और आज उन्हीं की देन है कि गाजीपुर के कई खिलाड़ी हमारे अंतर्राष्ट्रीय हुए, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जनार्दन यादव का है जो खुद अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे हैं, रेलवे में टीटी रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव स्पोर्ट्स कॉलेज में जब आए तो इनकी पूरी टेक्निक और टैक्टिक्स को सुधारा गया, हमारे प्रशिक्षकों ने इनको सुधारा और ये फिर जब इंडिया कैंप में गए तो और निखार आए और इसके बाद इन्होंने परफॉर्मेंस दर देते ही गए। और मेरी ये शुभकामनाएँ हैं कि ये सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लाएँ, ये हमारी गाजीपुर की तरफ से, जनता की तरफ से इनके लिए एक वो है, संदेश है कि ये अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें। कितने भार वर्ग में थे और किसको पकड़ने की? 60 kg, 70 kg जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रांच मेडल जीता है और एशिया में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इसके लिए मैं पूरे इनको धन्यवाद देता हूँ, इनके माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ, इनके परिवार को धन्यवाद देता हूँ। आप लंबे समय से लोगों को प्रशिक्षण देते रहे हैं, आखिर इस पहलवान में क्या आपको नजर आया कि ये लगता है कि कुछ देश और जिले का नाम रोशन करेगा? इनकी टेक्निक बहुत अच्छी थी, जब ये स्पोर्ट्स कॉलेज में आए तो हम लोगों को लगा कि ये बहुत आगे जाएंगे और ये शुरू से ही बहुत मेहनती थे। गाजीपुर में अब अगर देखा जाए तो अखाड़े की कमी भी है और ऐसे में कई प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते, तो क्या प्रशासन से मांग करेंगे?
अखाड़े होने चाहिए, मैट होने चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा आपने पूछा कि एक सुविधाएं की अभाव है हमारे देश में, स्टेट में भी है। कहने को कि हम बहुत सुविधा दे रहे हैं, लेकिन उस तरह की सुविधा नहीं है जो ओलंपिक स्तर पर मेडल जीता जा सके। पुनः आप लोगों को धन्यवाद। अपना परिचय दें। मैं जनार्दन सिंह यादव। सर, विश्व विजेता कांस्य पदक में आपके साथ पहलवान, क्या बताएंगे इनके बारे में और आपका परिचय? ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है और इसके बारे में हम लोग इतना कहें, सोया रहेगा तभी इसको कुश्ती का ध्यान रहता है, जगा तो कुश्ती के लिए प्रति हमेशा प्रेरित करता है। और हमारे गुरुजी HTS यादव गुरुजी पहला गाजीपुर से, यही मुझे 1989 में हॉस्टल में, स्पोर्ट हॉस्टल में गोरखपुर में किए थे। उस तब से अब तक मर जाने में 100 लड़के गाजीपुर राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 100 लड़के गाजीपुर के हुए हैं, केवल गुरु जी की हमारी देन है। और जी, आप जो है मुलायम जी को काफी दाव पेंच भी सिखाए थे, आखिर इनमें कौन सी ऐसी प्रतिभा नजर आई जो लगता था कि मतलब ये हमारे दो साल पहले, इस समय नहीं कहना चाहिए भाई, मैं कह रहा, दो साल पहले इसके पिताजी को सर्प काट दिया था, इंस्पायर कर गए थे। और दूसरे दिन ये मेरे गाँव से 3-4 किलोमीटर से घर दूर पड़ता है, मेरे अखाड़े पे आ गया। तो एक कोच हमारा भतीजा वहीं देखता अखाड़े पे, मुझे फ़ोन किया कि मुलायम अखाड़े पे प्रैक्टिस करने आ गया चाचा। तो हम बोले जाओ उससे हमारी बात करो, हमारे बात कराए तो बोला कि भैया अब जो होना था हो गया, अब क्या करें हम। तो आज इसके पिताजी का दाह संस्कार कल की बात, परसों अखाड़े पे गांव में आ गया। तो मेरे दिमाग में घुस गया कि इसको कुछ करने की तमन्ना, इसके पीछे हम लोग धीरे धीरे सारे लग गए, गुरुजन जितने कोच हैं सबको बताने लगे कि इसे करने का जुनून है और इस कुछ भी देश के लिए कुछ भी कर सकता है, ओलंपिक से, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप से, ओलंपिक से मेडल हमारे देश के लिए लाएगा, ये पूरा विश्वास है। गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।